कोटपुतली में कल रात पुतली पावर हाउस के सामने शर्मा पवित्र भोजनालय पर हुई फायरिंग और लूटपाट के मामले में कोटपुतली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एएसपी रामकुमार कसवा के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान द्वारा इन आरोपियों को साबी नदी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। मामले में कुछ लोगों के और शामिल होने की बात सामने आई है, जिनकी तलाश जारी है। आपको बता दें, कस्बे में बेखौफ हो रहे बदमाशों ने कल मध्य रात्रि पुतली पावर हाउस के सामने शर्मा पवित्र भोजनालय पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी और फ्रिज में जा धसी। ढाबा मालिक कमल कांत शर्मा ने जानकारी देते बताया कि कुछ बदमाशों ने ढाबे पर आकर तोड़फोड़ की है और गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश भी की थी। रात को करीब 12:30 बजे के आसपास कोटपुतली थाना क्षेत्र में पावर हाउस के सामने एक शर्मा पवित्र भोजनालय है, वहाँ पे करीब 10-12 लड़के खाना खाने के लिए आए। उन्होंने आके और जो ढाबा मालिक है उसको धमकाया कि हमें भिंडी की सब्ज़ी चाहिए, वो दे नहीं पाया तो उसको धमका के चले गए कि हम वापस आएंगे। और ऐसा कह के वहाँ से जाने के बाद करीब घंटा भर बाद वो वापस वहाँ पे आए और उन्होंने आके जो ढाबा मालिक और उनके जो काम करने वाले लड़के थे उनके साथ मारपीट की और वहाँ पर फायर किया और उनके करीब 77-78 हज़ार रुपये निकाल के ले गए, जिसके ऊपर पुलिस पहुंची और तुरंत प्रभाव से नाकाबंदी शुरू करवाई क्योंकि रात्रि का समय था। मैं और सीओ साहब दिनेश जी और एसएचओ साहब कोटपुतली दिलीप जी और इनकी पूरी टीम यहां से हमने नाकाबंदी करके उनका पीछा किया और जो साबी नदी है यहां पास में ही वहां पे उनके छुपने की संभावना पे हमने वहां पे चारों तरफ घेरा लगा के उनको पकड़ने की कोशिश की क्योंकि रात्रि का समय था तो ड्रैगन लाइट गाड़ियों की लाइट वगैरह से हमने उनको कवर किया और एक दो हमने जो स्टाफ साथ में थे उनको बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनाई क्योंकि हथियार होने की संभावना थी, सामने फायर भी हो सकता था। उसकी तैयारी के साथ में हमने इस ऑपरेशन को चलाया और करीब 2:30-3 बजे के आसपास हमने इसमें 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और जिसमें जान से मारने की धमकी और ये लूट की धाराओं में उनको आज हमने गिरफ्तार किया है। ये जो मुलजिम है 3, इसमें एक ओम प्रकाश गुर्जर है, दूसरा विजय गुर्जर है, तीसरा सुमेर कुमार है जो यहीं आसपास के रहने वाले हैं। तीनों को हमने अभी गिरफ्तार करके इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनके पास जो हथियार थे उनकी बरामदगी की जाएगी और इसके साथ में अन्य जो लड़के थे उनकी तलाश भी जारी है, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, टोटल कितने थे ये आदतन अपराधी हैं या इन्होंने पहली बार कोई वारदात को अंजाम दिया? ये आदतन अपराधी है, बालाकी नांगल का जो मेन लड़का है वो और इनके जो साथी है सभी आदतन अपराधी हैं और इनमें उम्मीद है 4-5 लड़के हैं, इनको सही से नामजद करके गिरफ्तार किया जाएगा।